नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ लेकर एसटेट 2018 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज जो हम देख रहे हैं वो दिसंबर 2017 के प्रश्न पत्र कोड संख्या 1101 का दूसरा भाग है, जिसमें हम अंतिम के 15 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखते हैं 16। रीइन्फोर्समेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रीइन्फोर्समेंट की बात की गई है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन है इसमें टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस और नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये दोनों ही लर्निंग टूल्स हैं। पुनर्बलन और दंडात्मकता, ये दोनों ही हमारे पास अधिगम के उपकरण है जो व्यवहारवाद के अंतर्गत ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर यहां पर सेकंड रहेगा, अधिगम लर्निंग। अगला ऑप्शन देखें इसमें, अगला क्वेश्चन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां है, हाउ मेनी साइंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन नरेटेड बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? अगर हम देखें तो जीन प्याजे ने चार अवस्थाओं की व्याख्या की है। पहली इंद्रियगामक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंतर्गत अगर हम संक्रियाएं देखें तो संक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट परमानेंस और सेंसरी थिंकिंग। इसमें है वस्तु स्थैतिकरण और संवेदी चिंतन, इसके अंदर संक्रिया है। ये 0 से 2 वर्ष तक की है। अगर हम उम्र देखें इसमें तो ये 0 से 2 वर्ष की है। दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल है, इसके अंतर्गत जो हम संक्रियाएं देखते हैं वो संक्रियाएं हैं ईगो सेंट्रिज्म और ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, अहम केंद्रन और पारगमनात्मक चिंतन। तीसरी अवस्था की हम बात करें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उम्र है 7 से 11 साल, और अगर हम इसके अंतर्गत अब देखें संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो मूर्त संक्रिया में है रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन और कॉन्क्रीट थिंकिंग, पलटावली, संधरण और मूर्त चिंतन। वहीं पे हम चौथी अवस्था की बात करते हैं तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको औपचारिक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक एक व्यस्क मनुष्य की भांति, अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। इसमें जो हम ऑपरेशंस देखेंगे, संक्रियाएं देखेंगे, वो है लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तार्किक अमूर्त चिंतन, इमेजिनेशन, कल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना और
और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इस तरह के इसमें ऑपरेशन है। इन चार ऑपरेशन के बेसिस पर चार अवस्थाएं हमें प्याजे द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न 18वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब इज नॉट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। निम्नलिखित में से कार्य सूचक क्रिया भावनात्मक पक्ष की नहीं है। तो अगर हम डोमेन्स की बात करें तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो हमसे क्रियासूचक शब्द पूछे गए हैं वो हम देखें तो ब्लूम ने तीन लेवल पे टैक्सोनॉमी दी। पहला लेवल जो हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी का था वो था कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक अभिक्षेत्र, जिसमें ब्लूम के साथ '90 में एंडरसन और फिर 2001 में एंडरसन ने एक्शन वर्ब्स दिए, कार्य सूचक क्रियाएं दी। दूसरा अफेक्टिव भावनात्मक, ये क्रैथवॉल और मासिया ने कार्यसूचक जो क्रियाएं हैं उनकी शब्दावली दी, एक्शन वर्ब्स दिए। जबकि तीसरा हमारे पास कहलाता है साइकोमोटर, मनोगामक या क्रियात्मक, जिसे हैरो और सिम्पसन ने दिया। इसके अनुसार जो शब्दावली दी गई वो एक्सेप्ट अफेक्टिव डोमेन की है, ओबे अफेक्टिव डोमेन की स्वीकारना और आज्ञा पालन अफेक्टिव डोमेन का, इन्फ्लुएंस अफेक्टिव डोमेन का है, प्रभावित करना भी अफेक्टिव डोमेन का है, डिफरेंशिएट कॉग्निटिव डोमेन का है, फर्क करना हमें एंडरसन ने कॉग्निटिव डोमेन में दिया। तो क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है, हमसे नहीं है पूछा गया है, इसलिए आंसर यहाँ थर्ड हो जाएगा, डिफरेंशिएट फर्क करना। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम, ये गलत कथन है, यही आंसर होगा, ये कथन गलत है। मेधा या बुद्धि इसको कहते हैं हम, तो बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये गलत है। बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इंटेलिजेंस हमारी सामान्य मस्तिष्क का कार्यात्मक प्रयोग है, जबकि सृजनात्मकता विशिष्ट प्रयोग है जिसमें हम नया, नवीन और मौलिक चिंतन देखते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इज द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस विच गिव्स ओरिजिनलिटी, न्यूनेस और द नोवेलिटी इन द फंक्शनिंग। तो इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव, ये ठीक है, एक मेधावी बालक हो सकता है सृजनात्मक ना हो। क्रिएटिव पर्सन मे नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी सही है, एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड, ये भी सही है, सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। टॉरेंस ने पोषण और पालन के ऊपर काम किया है, क्रिएटिविटी की नर्चरिंग और इसको नर्चर करने के ऊपर टॉरेंस का हम शोध देखते हैं। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम, ये गलत है। मेघा और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की गई है, अफेक्ट पर्सनालिटी, कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्टर्स है पर्यावरण का कारक, सामाजिक है कारक जो पर्यावरण में है, कल्चरल फैक्टर भी पर्यावरण है, सांस्कृतिक कारक भी पर्यावरण है, इकोनॉमिक फैक्टर भी पर्यावरण है, आर्थिक कारक भी पर्यावरण है, यानी आंसर यहाँ चौथा होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके अलावा एक और पर्यावरणीय कारक होता है, उसे हम कहते हैं, चौथा जो पर्यावरण कारक है वो है फिजिकल सेटिंग। भौतिक
अवस्थिति। ये यहां पे हमारे पास एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्यावरणीय कारक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गैग्ने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बनाए हैं? पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने के कितने प्रकार बनाए हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग हैज डिस्क्राइब्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने गैग्ने ने अपनी पुस्तक में आठ प्रकार बताए हैं। ये अगर हम आठ प्रकार देखें तो पहला प्रकार हमारे पास इसमें आता है सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम, इससे अगर आगे हम देखते हैं तो एसआर लर्निंग, उद्दीपक, अनुक्रिया अधिगम। तो दूसरा पद है इसमें उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये संकेत है। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आता है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, चौथा अगर हम इसमें देखें तो आता है वर्बल एसोसिएशन, भाषाई या वाचिक सहसंबंधन, पांचवा हम देखें तो इसमें आता है डिस्क्रिमिनेशन। ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकृत अधिगम। इसके बेसिस पे हम बात करें छठे अधिगम की तो ये आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संकल्पनात्मक अधिगम। हम अगर सातवें की बात करें तो सातवां हमारे पास आता है रूल लर्निंग, नियम अधिगम, और इसके आधार पे हम आठवें की बात करें तो आठवां आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो ये द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में आठ हमारे प्रकार हैं, जो कि आठ अधिगम के प्रकार हैं, या हायरकी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं इसको हम। इसके बाद अगला एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा सीखना शुरू करता है। ये गैने ने अपनी बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में दिए थे। ये आठ प्रकार हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या है ये 22। इसके अंतर्गत हम देखें द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किन मुख्य स्रोतों के ओतप्रोत घूमती है? इसके लिए हम लिंडग्रेन का स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को देखते हैं। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों को चिन्हित किया है, उसमें उन्होंने लर्नर को चिन्हित किया है, शिक्षार्थी को चिन्हित किया है, लर्निंग एक्सपीरियंस को चिन्हित किया है, ये एक है, ये दो है, शिक्षार्थी को चिन्हित किया है, अधिगम अनुभव को चिन्हित किया है, तीसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चिन्हित किया है, तीसरा ये है जिसको उन्होंने चिन्हित किया है, और चौथा लर्निंग सिचुएशंस को उन्होंने चिन्हित किया है, अधिगम परिस्थितियों को उन्होंने चिन्हित किया है, चौथा ये है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर राइट। यहां पे हमें सभी ऑप्शन सही मिलते हैं, सारे के सारे जो हम विकल्प देखेंगे वो विकल्प हमारे सही हैं, तो आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें वेरिएबल
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ, नॉट पूछा गया है, अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, कौन सी अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स ये तो रहेगा, माता पिता द्वारा शिक्षा अनौपचारिक रहेगी, एजुकेशन गिवन बाय नेबर्स ये भी रहेगा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा भी है, और एजुकेशन बाय पीयर ग्रुप सहपाठी साथी के समूह जो दे रहे हैं वो भी रहेगा, एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग, तो टीचिंग कभी इनफॉर्मल नहीं होगी, शिक्षण द्वारा दिया गया अधिगम नहीं होगा, इसीलिए आंसर चौथा रहेगा, बाकी तीनों इनफॉर्मल के हमारे आधार हैं। नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, सेलेक्शन इन फुटबॉल टीम, फुटबॉल की टीम में चयन होना, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, गेटिंग अ ड्रेस ऑन बर्थडे, जन्मदिन तक पोशाक मिलना, एंड ऑल ऑप्शंस आर राइट, सभी विकल्प सही हैं। एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन, यहां चयन की बात की गई है, सिलेक्शन की बात की गई है। अब सिलेक्शन चयन का मोटिव अभिप्रेरक दिया ही नहीं हुआ, यहां तो हमें अंत बताया कि चयन हो गया, चयन क्यों हुआ, क्या बच्चा चाहता है या बच्चा नहीं चाहता, या बच्चे को किसी ने बाह्य रूप से उसके लिए प्रेरित किया या बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, इसमें तो हम बता ही नहीं सकते, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, समस्या का समाधान, अब यहां अभिप्रेरक सूचक दे रखा है स्वयं के लिए, फॉर इट्स ओन सेक, तो ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकता है, ये एक इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है क्योंकि स्वयं के लिए दे दिया गया है। फिर तीसरे देखें तो गेटिंग अ ड्रेस ऑन बर्थडे, अब फिर से ड्रेस बर्थडे पे मिल रही है, जन्मदिन पर पोशाक मिल रही है, लेकिन फिर से अभिप्रेरक अनुपस्थित है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पोशाक मिलना आंतरिक है या बाह्य है, वैसे भी पोशाक एक सामग्री है तो सामग्री अधिकतर बाह्य ही होती है जब तक कि वो सामग्री ड्राइव यानी अंतर्नोद को पूर्ति ना करती हो, इसीलिए तीसरे ऑप्शन को भी हम सही तरीके से नहीं बता सकते, तो चौथा तो नहीं हो सकता, आंसर यहां पर सेकंड आ जाएगा। तो जब भी आपके पास आंतरिक या अभिप्रेरणा का या बाह्य अभिप्रेरणा का आपको आए तो ये देखना है कि किसी भी चीज को चुने या निर्णय, जब हम निर्णय की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो हमें डिसीजन मेकिंग को मोटिव को देखना है, अभिप्रेरक को देखना है, अगर मोटिव इंटरनल है जैसे कि सेकंड ऑप्शन में स्वयं के लिए दे रखा था, आंतरिक इच्छा निहित है उसमें, इंटरनल डिजायर निहित है, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, नहीं तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहां पर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं है पूछा गया, फिर से ध्यान रखिएगा, नॉट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, एक्टिविटी सबसे अच्छा मेथड है, लेक्चर मेथड नहीं है, बक 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 करना नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। अब हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है प्राथमिक स्तर पर, प्रोजेक्ट मेथड एक अच्छा मेथड है, प्रोजेक्ट विधि, तो आंसर यहां पे थर्ड रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पे 26वां क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हाँ, करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, स्कूल सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे बल नहीं देता है, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पे बाल नहीं देता, ये यहाँ पे ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं, तो सेकंड है बाल केंद्रित,
इंग्लिश के हिसाब से, तो बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देता है, पाठ्यचर्या पे नहीं देता, विद्यालय पे नहीं देता। आंसर हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, सीसीई भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सीसीई का एक और फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो एनसीएफ 2005 में दिया गया है। एनसीएफ 2005 में दो फॉर्म इसकी एक्रोनिम दिए गए, एक सीसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में और एक सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के रूप में। तो सीसी के दो फुल फॉर्म है, बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न देखें इसमें, तो प्रश्न संख्या 27, टीचिंग एड इज यूज्ड इन द क्लास, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला, क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशंस, हाँ, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए। रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द टीचर, बिल्कुल नहीं, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए नहीं रहेगा। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं, अनुशासन के लिए। अब हम अनुशासन ही वो मानते हैं जिसमें बच्चा अधिक से अधिक क्रियाएं करें। बीइंग कंपल्सरी इन टीचिंग, कंपल्सरी भी नहीं है ये शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो आंसर यहां पर पहला ही आ जाएगा, क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन, शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा में विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 28वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कम्स अंडर मेंटल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। लैंग्वेज, साइज, अफेक्शन, ऑनेस्टी, भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। तो इसमें आंसर रहेगा भाषा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे आता है, तो लैंग्वेज हमारे मस्तिष्क के दो रीजंस से, ब्रोका एंड रिंकी, इन दो रीजन से संबंधित होता है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र और रिंकी क्षेत्र से संबंधित होता है, इसीलिए ये मानसिक विकास का एक आयाम है। इट इज अ एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, यही विकास में अगर विकार होता है तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इस विकास का विकार। इसमें अगर हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो ये डिसऑर्डर डिसलेक्सिया एंड अफेजिया देता है। इनमें अगर कहीं दिक्कत है ब्रोका और रिंकी के क्षेत्र में, तो डिसलेक्सिया और अफेजिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम निर्योगिता है, वो इसके कारण होंगी। तो आंसर यहां पर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अपने पेरेंट्स के साथ आनंद न लेना, ये सामाजिक विकास से जुड़ा है, ये सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा है। और इसमें कौन सी अवस्था है, ये अवस्था है एडोलेसेंस की, ये किशोरावस्था की। और यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहां हमें देखने को मिलता है जनरेशन गैप, पीढ़ीगत मतांतर। ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है जहां पर बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होते हैं और वो अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ रहना चाहते हैं, वो अभिभावकों या वयस्कों के साथ नहीं रहना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एथिकल मॉरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा किसे कहेंगे। तो इसमें आंसर है सुपर ईगो, परा अहम को। तो ये जो परा है या परा अहम है, इसे हम
मॉरल आर्म कहते हैं। तो इसमें तीन आर्म्स होती हैं हमारे पास, एक होता है प्लेजर, आर्म ऑफ पर्सनालिटी, ये प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं, सुखेप्सा भुजा, और ये कौन सी होती है, ये होती है ईड, अहम या उपाह जिसे कहा गया है, इसी को उपाह कहा जाता है। और दूसरा होता है सोशल आर्म, सामाजिक भुजा, और ये होती है ईगो। इसे हम कहते हैं ईड को, तो ईड ही कहते हैं। तो सोशल आर्म सामाजिक भुजा ईगो होती है, जबकि प्लेजर आर्म सुखेप्सा भुजा ईड होता है, और जो नैतिकता वाली भुजा है, एथिकल मॉरल आर्म है, वो सुपर ईगो होती है, वो एक पराह होती है, परा अहम होती है। तो साथियों ये थे 15 प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं फिर से लेके आऊंगा क्वेश्चंस आपके लिए, और अगली जो कड़ी में लेके आऊंगा वो मैं लेके आऊंगा दिसंबर 2017 के प्रश्न पत्र कोड संख्या 1201 के प्रश्न, और उसके अंतर्गत मैं 30 क्वेश्चंस को 15-15 क्वेश्चंस को लेकर फिर से मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जो इस वीडियो को देख रहे थे सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एचटेट से जुड़े हुए जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत ही नोटिफाई होते रहें। बेल आइकन को भी आप दबा लें तो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और फिर इन वीडियो को देखकर आप प्रश्नों को हल करने का तरीका और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत चिंतन किस प्रकार से किया है, करा जाता है, वो तरीका आप समझ पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं।